Day 3 मॉर्निंग सफारी, कल की धमाकेदार साइटिंग के बाद में अब देखो आज सुबह क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाड़ी चला गया आपका? उम्मीद है कि आज हमारे को पार वाली, जूनियर पार वाली और उसके बच्चे दोनों सब साथ में देखे। एक शॉट तो बनता ही है सबको साथ में कैप्चर करने का। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पेड़ वाली पे भी चेक करेंगे। एक्चुअली मैं वो थोड़ी सी इंजर हो गई क्योंकि वो हंट करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसको थोड़ा उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक घाव सा हो गया। सो लेट्स होप कि वो भी उसका घाव जल्दी भर जाए। कल तो देखा ही था उसको हमने, पूरा एकदम स्टॉक करके वो हंट कर रही थी, हमने आपको दिखाया था। आज देखो क्या हमारे को नए या कोई नई चीज़ देखने को मिलती है। सो वंस अगेन बस गेट खुलने ही वाला है और हम जाते हैं। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय माता दी। आई विल सी यू इन द फॉरेस्ट। बहुत बढ़िया रहा। और आज हम थोड़ा सा ग्रासलैंड को छोड़ते हुए सीधे जा रहे हैं सांबर रोड, क्योंकि कल सांबर रोड में काफी एक्शन मिला था। तो आज उम्मीद है कि कुछ और अच्छा मिलेगा। चलो बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। तो ये एक चमत्कारी समझिए कि आज संजूदा हमारे को ग्रासलैंड लेके नहीं जा रहे, सीधा हम लोग बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ बात भी सही है, वैसे कोई कॉल भी नहीं हुई है। अभी भैया भी वॉक कर रहे थे, मैं भी वॉक कर रहा था, तो ग्रासलैंड की सेक्शन की तरफ से कोई कॉल, कोई आवाज़ें, कोई हलचल, कोई मूवमेंट कुछ नहीं था। तो हमने भी अच्छा है, भैया ने आज ये डिसीजन लिया कि हम पहले बाहर वाली का जो सेक्शन है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। बीच में पेड़ वाली का भी एरिया पड़ता है, उसको भी चेक मारते हुए जाएंगे और जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। Stay tuned guys। ये हमारी चौथी सफारी है और फिर भी मुझे छोटी पारो या उसकी बहन पेड़ वाली को उनके शावकों के साथ देखने को नहीं मिला है। ईमानदारी से कहूं तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी पार वाली अपने शावकों के साथ दिखाई दे सकती है। हमने पिछले 2 दिनों में पेड़ वाली को रोज देखा है, लेकिन उसके शावकों के बिना। वह शिकार करने की फिराक में है, इसलिए हो सकता है कि उसने अपने शावकों को अपने क्षेत्र में कहीं छिपा दिया हो, और जब वह शिकार कर ले उसके बाद हम उसे उसके शावकों के साथ उसके शिकार को खाते हुए देख सकते हैं। अभी हम जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं उसे रिंगोड़ा के नाम से जाना जाता है। एक नर बाघ इस विशेष खंड पर शासन करता है। शायद ये वही है जिसने छोटी पारवाली के साथ मेटिंग की है। ये क्षेत्र मानसून के दौरान पानी में डूब जाता है। आपने सर्दियों के मौसम में ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के डेक पर खड़े होकर पानी में डूबे हुए इस क्षेत्र को जरूर देखा होगा। जितने भी गिरे हुए पेड़ और रोखड़ आप देख रहे हैं वे सब तेज जलधाराओं द्वारा लाए गए हैं। पार्क के इस हिस्से से हमें जोड़ने वाला पुल भी बारिश से पहले डिसमेंटल कर दिया जाता है। हर साल दिसंबर के महीने में इस पुल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमें बताया गया है कि कुछ मिनट पहले इस क्षेत्र में अलार्म कॉल सुनी गई थी। कल शाम इसी इलाके में छोटी पार वाली को देखा गया था। अरुण को रोक लो यार। अरे रोक लो, रोक ले। अभी आके ले लो गाड़ी। अरे यहीं बैठ रही है।
व्हाट अ वंडरफुल साइटिंग दोस्तों, चारों शावक सड़क पर आ गए हैं। इन चार शावकों में से दो बेहद साहसी हैं, वे सफारी वाहनों के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए हैं। हमने इन दोनों को आपको अपने आखिरी व्लॉग में दिखाया था। ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, वो कहते हैं ना द बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल। छोटी पार वाली ऊपर की पहाड़ी पर जा चुकी है और बच्चे माँ के पीछे पीछे अब ऊपर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इन सबको एक साथ फ्रेम में पकड़ते हैं। जब हम कैंपस में वापस जा रहे थे तो हमने खेननौली वॉच टावर के पास पेड़ वाली को शांति से सोते हुए देखा। तीसरी बार हमें इसके दर्शन हुए इस ट्रिप पर बच्चे आज भी साथ में नहीं दिखाई दिए। सुबह के 11:30 बजे थे दोस्तों, जब मेरा रूम अटेंडेंट दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझसे कहा, सर टाइगर आ गया है कैंपस के सामने। फिर क्या होना था, मैंने अपना कैमरा उठाया और सीधा डेक की ओर भागा। तो आप सबको देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर साइटिंग चल रही है। फिलहाल हम डिकाला के डेक पे खड़े हैं जो ठीक कैंटीन के सामने है, और सामने टाइगर पानी में बैठा हुआ है जिसका शॉट अभी आपको DSLR कैमरा से दिखाएंगे। और ये हमारे पाटिल सर हैं, सब्सक्राइबर हैं। हेलो कैसा लग रहा है सर? गुड इवनिंग, वेरी एक्साइटिंग, फर्स्ट टाइम आई फेल, मतलब लाइक डेक पे डेक खड़े रह के वी आर सीइंग द टाइगर, इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। नहीं, दिस इज डिकाला, दिस इज डिकाला, करेक्ट। And your vlogs, I feel regularly, they are very nice. Thank you so much, sir. Thank you. I feel डालते रहो, we'll surely
कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको देखने कहीं कुछ लैक कर रहा है क्वालिटी वाइज कंटेंट वाइज? नथिंग, इट्स ऑलवेज परफेक्ट. थैंक यू सो मच. नथिंग मच, कुछ भी कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है सर. इट्स प्रॉपर प्रॉपर व्लॉग. थैंक यू सो मच सर. सबसे लास्ट में उससे उल्टी तरफ देखो, बिल्कुल कौन देखो एक वो चल रहा है, लाओ तो दो जरा गगन निकाली दे रहा है यार. लो लग यहाँ पे है क्या करेगा यहाँ पे तुम छाव बैठे उस पर क्या है यहाँ से निकल के? हाँ ये भी है. हाँ ये तो ये सामने वाला भी है. इधर ये सामने वाला एकदम मालूम है. उतना ही नहीं ये बाग है. दूसरा वाला किधर है? दूसरा वाला उधर है. आठ पैंतालीस पे उतरा है. चलो आप मोहसिन बैक बटन करना पड़ेगा. चलो बात को देख लेंगे आराम से. अभी उठा हुआ है और वो डियर के पीछे आया. वैसे हो सके हंटिंग के लिए जाए उधर ना सामने. चलो आ रहा है, आ रहा. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे टाइगर साइटिंग चल रही है. तो ये होता है दोस्तों, इतना धूप में हम लोग आपके लिए जंगलों में घूमते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और टाइगर्स को ट्रैक करते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि हमको रिवॉर्ड मिल जाता है कि हमको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है और टाइगर जो है खुद आके सामने बैठ जाता है और अपने दर्शन देता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारे को, हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिले एंड ब्यूटीफुल मोमेंट. इनके साथ में टाइम स्पेंड करने में भी मज़ा आया और अभी टाइगर को हमने कैप्चर भी किया. एक्चुअली अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो टाइगर है ये काफ़ी इंजर्ड है, टेरिटोरियल फाइट के अंदर ये घायल हुआ है. तो यहाँ पर हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनको भी ये पता चल चुका है. सो लेट्स होप कि इस टाइगर को जो है ट्रीटमेंट जल्दी मिले और इसके जो घाव हैं वो जल्दी भरे और इसको वापस फिर वाइल्ड में छोड़ दिया जाए. सो देखते हैं अभी क्या होता है. एंड तो फिलहाल तो अभी सफारी शुरू होने वाली है हमारी और आधा घंटा रह गया, फिर हम सीधा अंदर पार्क के अंदर जाएंगे. तो पार्क के अंदर सॉरी ऑलरेडी हैं हम लोग. तो फिलहाल अभी जो हमारा प्लान होएगा वो ये है कि यहाँ पे दो टाइगर तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं. एक्चुअली टाइगर बहुत दूर है, पानी में है एंड धूप इतनी है. तो जितना हमसे कैप्चर हुआ वो हमने अभी आपको दिखाया शॉट के अंदर. एंड जूनियर पार वाली जो है वो फ़िलहाल ऊपर कांडा नाला से ऊपर पहाड़ी पे चढ़ चुकी है. लेट्स होप कि वो पानी के लिए दोबारा से एक बार नीचे आ जाए शाम को, तो हमको देखने को मिल जाए विद कब्स. पेड़ वाली को अभी हम थोड़ा ट्रैक करेंगे, साथ ही में ये ग्रासलैंड मेल अगर ऊपर की तरफ आता है तो इसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे. तो ये अपडेट थी. फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है, जस्ट लोग इन्जॉय कर रहे हैं, उनको बहुत आनंद मिल रहा है इस टाइम पे टाइगर को डेक पे से खड़े होकर देखना. तो यही है डिकाला, इसी को डिकाला बोलते हैं. डिकाला में ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को मिलती हैं. तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी जब भी कभी आएँ यहाँ पर तो आपको भी ऐसे नज़ारे देखने को मिले. तो इसी के साथ अब जब सफारी शुरू होती है तो मैं आपसे अंदर मिलता हूँ. सी यू गाइज, आई विल सी यू इन द फॉरेस्ट.